मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेवाड़ के दौरे पर, बागीदोरा और कुशलगढ़ में विकास कार्यों की दी सौगात। महंगाई राहत कैंप का किया अवलोकन, कहा कि आदिवासियों का ख्याल रखना हमारा फर्ज। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, प्रदेश के विभिन्न मंदिरों के विकास कार्यों में खर्च होंगे 10,80,00,000 रुपए, मुख्यमंत्री गहलोत ने दी मंजूरी। प्रदेश में महंगा होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, परिवहन विभाग बढ़ाने जा रहा ड्राइविंग लाइसेंस की फीस, दुपहिया वाहन को 100 और चौपहिया वाहनों के लिए देनी होगी 150 रुपए अतिरिक्त फीस। बीजेपी पर प्रदेश सरकार पर हमला, प्रदेश अध्यक्ष एसीबी जोशी ने कहा कि बीजेपी करेगी महाघेराव, भ्रष्टाचार समेत कई मामलों को उठाएगी। नागौर के रियाबड़ी में आरएलपी की जन आक्रोश रैली, पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बोला वज्री माफिया पर हमला। जालौर में दो मासूमों के साथ विवाहित पानी के टांके में कूदी, दोनों बच्चों की मौत, महिला का इलाज जारी। हनुमानगढ़ के संगरिया में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, चाचा ने मारी भतीजे को गोली, घायल युवक को किया गया रेफर। गुजरात के तट से टकराएगा चक्रवात बिपरजोय, निचले इलाकों में रहने वालों को किया शिफ्ट, राजस्थान में 16 जून तक आंधी बारिश के आसार, प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शाम 7 बजे के बुलेटिन में वो 7 खबरें कौन सी रहने वाली हैं जिन पर हमारी नजर होगी, जिनका विश्लेषण होगा। इनमें अगर सबसे पहले बात करें तो जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बागीदोरा, कुशलगढ़ और आसपुर पहुंचे, इस दौरान क्या कुछ उन्होंने जनता से संवाद किया, क्या कुछ संदेश दिया, ये हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के घर में आज बीजेपी ने सेंध लगा दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के भतीजे और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा साथ ही आपको बताएंगे जयपुर में एसीबी ने कहा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं कोटा में कोचिंग छात्रों की खुदकुशी कब रुकेगी, जिस छात्र ने खुदकुशी की उसके पीछे के बच्चे क्या रहे। अगली खबर होगी ख्वाजा के दर पर बांग्लादेशी डेलीगेशन के पहुंचने की और इसके मायने क्या होने वाले। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सवाई माधोपुर में सफाई कर्मचारियों ने क्यों झाड़ू डाउन हड़ताल की और इससे क्या असर पड़ने वाला है और इनके मांगे क्या है। साथ ही आपको बताएंगे हनुमानगढ़ से जो तस्वीर सामने आई जिसमें नहर में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई, इसके पीछे की वजह क्या रही। ये वो 7 खबरें होंगी जिन पर